उत्तर प्रदेश से कटनी अपनी प्रेमिका से मिलने आए युवक तथा युवक की प्रेमिका दोनों को ससुराल वालों ने जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश से कटनी के ग्राम पिपरिया में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक का वीडियो इन दिनों कटनी जिले के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां युवक और युवक की प्रेमिका दोनों को ससुराल पक्ष वालों ने जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया और वीडियो वायरल होने के बाद से ही दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का कुछ पता नहीं चल रहा है, जिसको लेकर सलीमनाबाद थाने की पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। दिनांक 10/5/23 को दोपहर में 100 डायल में टिफिन प्राप्त हुआ था। सैलारपुर के उप सरपंच श्री विश्वनाथ सिंह द्वारा दिया गया था कि पिपरिया गांव में एक यूपी का एक व्यक्ति आया हुआ है, जिसे गांव वाले बैठाए हुए हैं और अतर सिंह अंकर सिंह नाम के पुरुष जो वहीं के हैं, उनकी पत्नी से उसके पूर्व से बातचीत होती है। इवेंट प्राप्त होने पर थाना सिमनाबाद से 100 डायल गई थी। गांव में जाने पर वहां देखा कि गांव के उप सरपंच कोतवाल सचिव महिला के पति ससुर एवं उक्त व्यक्ति भी वहां बैठे हुए। दोनों पक्षों से बातचीत की गई, दोनों पक्षों ने सहमति दी और अपने आप पहले उन लोगों ने बैठ के पंचायत कर ली थी, जिसमें महिला गीताबाई के भाई वगैरह नरेश सिंह वगैरह भी वहाँ थे। उन सब ने 100 डायल में जब गए तो उनको बताया कि ये महिला गीता सिंह और जो यूपी का लड़का है राहुल कुमार, ये दोनों आपस में साथ में रहना चाह रहे हैं, इससे इन दोनों के लिए लिखा पढ़ी करके हम लोग साथ में इनको भेजना चाहते हैं। पुलिस द्वारा वहाँ मौके पर पूछताछ की गई थी कि किसी के साथ कोई मारपीट की गई है क्या, कोई ऐसी बात तो नहीं, तो उन्होंने बताया किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे महिला गीताबाई को और राहुल कुमार को गांव वालों ने साथ में करके वहां से रवाना कर दिया। उस दिनांक तक कोई खबर नहीं थी। कल दिनांक 13/5/23 को एक हमें भी पत्रकार महोदय के माध्यम से एक फोटो और वीडियो मिला, जिसमें उक्त महिला एवं पुरुष दोनों के गले में कुछ पुराने जूते चप्पल की माला थी। इस संबंध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पक्षकार द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है, किंतु जो फोटो और वीडियो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर पुलिस गंभीरता से उसकी जांच कर रही है और जो भी संबंधित व्यक्ति इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। वहीं जिसके बाद अब देखना होगा कि दोनों प्रेमी प्रेमिका को सलीमनाबाद पुलिस कब तक ढूंढ कर निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, कटनी।